Good morning, modern champs. How are you all? I hope you all are good and you all are safe also. आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर में लेसन टू का पार्ट थ्री. लेसन टू का पार्ट वन पार्ट टू हमने कंप्लीट कर लिया था. आई होप आप सब ने वो वीडियो देख लिया होगा, अच्छे से आपको समझ भी आई होगी. अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट थ्री. पार्ट थ्री में देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी वन ओपन योर कंप्यूटर बुक. ओके, ओपन पेज नंबर 15 एवरी वन. आप सब पेज नंबर 15 ओपन करेंगे और अपनी पेंसिल इरेजर भी साथ में लेंगे और बुक भी ओपन किए रहेंगे. बुक में जो रीडिंग कर रहे हैं वो साथ साथ आप रिपीट करते चलेंगे. ओके, हमने होम्स तक पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं स्कूल. ठीक है, SCHOOL स्कूल. स्कूल में कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है? फर्स्ट, सबसे पहला क्या है? फॉर टीचिंग. कंप्यूटर लैब जाते हो ना, वहाँ कंप्यूटर्स होते हैं, वो आपको टीचिंग टीचर्स आपको कंप्यूटर के थ्रू टीचिंग कराते हैं ना, तो कंप्यूटर का यूज़ पहला टीचिंग में हो गया. नेक्स्ट है फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स एंड बुक्स. और कंप्यूटर का यूज़ कहाँ होता है? स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, टीचर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए और बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए. स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स कैसे रखते हैं? मीन्स कौन सा स्टूडेंट्स कहाँ से आता है, ठीक, किस क्लास में है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, फीस सबमिट है कि नहीं है, सारे रिकॉर्ड्स जितने भी हैं वो कहाँ होंगे? कंप्यूटर में. आपके रिपोर्ट कार्ड सेफ होंगे ना. और टीचर्स का रिकॉर्ड क्या होता है? टीचर्स की भी, कि कहाँ से आती और कितनी और टीचर्स का रिकॉर्ड्स क्या होता है? टीचर्स का रिकॉर्ड मीनिंग टीचर्स किस प्लेस से आ रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन किस सब्जेक्ट्स का टीचर है, ये सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर. और नेक्स्ट क्या है आगे? फॉर प्रिपेयरिंग एग्जामिनेशन पेपर रिजल्ट एंड टाइम टेबल. मतलब कंप्यूटर का यूज़ और कहाँ होता है? स्कूल में. मतलब स्कूल में और किस काम से यूज़ होता है? पेपर्स बनाने के लिए, जो पेपर प्रिंट होते हैं, पेपर टाइपिंग होती है, सारी वर्क कहाँ होंगे? कंप्यूटर में. और रिजल्ट बनता है और टाइम टेबल बनता है ना. नेक्स्ट आगे देखिए क्या है. आगे ऑफिस. ऑफिसेज में कहाँ यूज़ होता है कंप्यूटर? फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ ऑफिस, ऑफिस का रिकॉर्ड रखने के लिए. नेक्स्ट है फॉर टाइपिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स टाइप करने के लिए और प्रिंट करने के लिए. उसके बाद है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मेल्स. ईमेल्स सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए. ये सारा वर्क ऑफिस में होता है कंप्यूटर से. ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज क्या है? बैंक. बैंक में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है? फर्स्ट है फॉर कीपिंग डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स अकाउंट. सबसे पहली कस्टमर के अकाउंट की डिटेल रखने के लिए कहाँ, किस चीज़ का यूज़ होता है? कंप्यूटर का. अकाउंट डिटेल मतलब अकाउंट में कितने मनी है और अकाउंट में कस्टमर का नेम क्या है, उनकी सारी डिटेल्स रखने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है. नेक्स्ट है फॉर विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एन एटीएम. एटीएम से पैसे निकालने के लिए भी किसका यूज़ होता है? कंप्यूटर में. एक तरह का कंप्यूटर ही है वो. ओके, नेक्स्ट क्या है? फॉर सेविंग रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांसफर्ड मनी. पैसे जो ट्रांसफ़र होते हैं, लेन देन, पैसे का लेन देन जो हुआ उसका रिकॉर्ड रखने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होता है. ओके, उसके बाद देखते हैं हॉस्पिटल्स में. हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है? फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्टर्स पेशेंट्स एंड एम्प्लॉयज़. सबसे पहला डॉक्टर पेशेंट्स और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखने के लिए किसका यूज़ होगा? कंप्यूटर का. मीन्स हर जगह कहीं भी रिकॉर्ड रखना है, जैसे सेव करना है डेटा, तो कहाँ, किस चीज़ का यूज़ हो रहा है? कंप्यूटर का. ओके, आगे क्या है? फॉर प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स. मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार जो होती है, जो आपको रिपोर्ट्स मिलती है घर में, जिसकी भी मेडिकल रिपोर्ट होगी वो किससे बनती है? कंप्यूटर से. ठीक है, फीड तो कोई इंसान ही करता है, लेकिन कंप्यूटर से प्रिंट होती है, कंप्यूटर में फीड होती है. ओके, नेक्स्ट है फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स ऑफ हेल्थ चेकअप्स ऑफ पेशेंट्स. पेशेंट्स का रिकॉर्ड भी कंप्यूटर में रखा जाता है, हेल्थ चेकअप, उनका हेल्थ चेकअप का रिकॉर्ड, कि मतलब किसको कौन सी बीमारी है, कौन सी नहीं है. अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, तो कितना लेवल तक थी पिछली बार, इस बार कितनी है, ये सारी डिटेल्स कंप्यूटर में होती है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक में कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर, स्कूल में कैसे यूज़ कर रहे हैं,
और हॉस्पिटल में कैसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, शॉप्स, शॉपिंग मॉल, यहाँ सब कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर को। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का आप अपना होमवर्क देख लीजिए, आपको होमवर्क में क्या करना है। आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन कि टिक द करेक्ट आंसर जो है वो आपको बुक में फिल करना है। पेज नंबर आपके 19 पे है और बुक में फिल करके सेंड करना है आपको चेक करेक्शन करने के लिए, चेक करवाने के लिए। फर्स्ट है इन होम कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर, घर में कंप्यूटर यूज़ होता है टीचिंग के लिए, रिजल्ट के लिए कि दोनों के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है, होम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए स्कूल। जो होम है वो स्कूल, कि कंप्यूटर को स्कूल में कैसे यूज़ करते हैं, तो टीचिंग के लिए भी और रिजल्ट बनाने के लिए भी, तो बोथ का मतलब होता है दोनों। तो आप लास्ट वाले पे टिक करोगे, बट यहाँ पे जो राइट हुआ है होम, वो होम आप करेक्ट करके क्या राइट कर लोगे उसकी जगह स्कूल। ओके, होम को कट करके पहले स्कूल राइट कर लो अपनी पेंसिल से। ये होम नहीं है, स्कूल है, SCHOOL स्कूल, और बोथ पे टिक कर लोगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू विड्रॉल मनी, पैसे निकालने के लिए इनमें से किसका यूज़ होता है। तो पैसे निकालने के लिए किसका यूज़ करते हो आप, फर्स्ट में राइट है कैलकुलेटर, नेक्स्ट है ATM और नेक्स्ट है स्मार्टफोन। तो किसका यूज़ करते हैं, ATM का ना, तो इस बॉक्स के अंदर ही आप टिक करेंगे ATM पे। इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं विच कंप्यूटर इज़ केप्ट ऑन लैप, मतलब लैब पे कौन सा कंप्यूटर रखते हैं, लैपटॉप, तो लैपटॉप पे टिक करिएगा। फिर उसके बाद कौन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म ऑन कंप्यूटर, इनमें से क्या कंप्यूटर में कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, स्लीपिंग कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, सो सकते हो, नहीं, वॉक कर सकते हो कंप्यूटर में, नहीं, तो क्या कर सकते हो, प्लेइंग गेम्स। तो आपको कैसे टिक करना है, फर्स्ट बोथ पे, सेकेंड ATM, थर्ड लैब, फोर्थ प्लेइंग गेम्स। ओके, और ये होम जो है इसको करेक्ट कर लेना है, स्कूल राइट कर लेना है। ओके, मिसप्रिंट हो गया आई थिंक। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।